हाय किड्स, कैसे हो आप सब? हाउ आर यू? फाइन स्टूडेंट, आज मैं भूमिका सोनी आपको इंग्लिश की आई वोंट कि कल मैंने जो स्टोरी बताई थी, आज पार्ट टू में मैं उसका आपको सॉल्यूशन समझाऊंगी। आपको कल की स्टोरी में पता चला ना बच्चों? ओके, सो लेट अस स्टार्ट एंड आप ओपन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। सो बच्चों, पेज नंबर 32, तो उसमें आपको बच्चों ये जो पैराग्राफ है कि पुट अ राइट और अगेंस्ट रॉन्ग, तो जो सेंटेंस आपको अगर सही है, सही का मतलब क्या है कि जिसमें ऐसे फुल स्टॉप किया गया हो, फिर जो अगर सेंटेंस गलत है तो वहाँ पे आपको रॉन्ग करना है, जो सही है वहाँ पे आपको राइट करना है। जैसे देखो कि ये जो सेंटेंस आपको किया गया है कि फर्स्ट वाला कि द लिटल मंकी वॉन्ट्स टू बी अ बिग एंड स्ट्रॉन्ग, राइट, तो उसमें आपको क्या है, अ वाइज वूमन डज नॉट हियर हीम, फिर शी गिव्स हिम अ वॉन्ट, अगर जो सही है वो आपको सही करना है और जो गलत है आपको वो गलत करना है। ओके बच्चों, फिर द लिटल मंकी सीज मॉन्स्टर इन द रिवर। ओके, तो आपको ऐसे यहाँ पे अगर राइट है तो जैसे फर्स्ट वाला आंसर तो उसमें क्या है, वो राइट है, तो आपको वहाँ पे ऐसे फर्स्ट वाले आंसर में राइट करना है। फिर सेकंड वाला आंसर भी क्या है बच्चों, तो वो सेकंड वाला आंसर रॉन्ग है, तो वहाँ आपको ऐसे रॉन्ग करना है। फिर थर्ड वाला शी गेम्स हिम, वो राइट है, फोर्थ वाला भी राइट है। आगे देखते हैं, फिर वो ट्रंक वाला सेंटेंस गलत है, तो वहाँ पे आपको गलत करना है, ज़ेब्रा को स्ट्रिप्स होते हैं, तो वो राइट है। लिटल मंकी ने वो स्ट्रीम में जब वो रिवर में देखा तो वो कैसा दिख रहा था, मॉन्स्टर जैसा, तो वो सेंटेंस भी राइट है। अब है पेज नंबर 32, तो उसमें हम देखते हैं उसके क्वेश्चन आंसर के, इज़ देयर एनी वन इन योर क्लास हुम यू लाइक, तो आपको क्लास में कौन अच्छा लगता है, तो आई लाइक माई बेस्ट फ्रेंड इन माई क्लास, उसका नेम क्या है, प्रियंका। आप अपने फ्रेंड का भी नेम इसमें लिख सकते हो, तो आपको कोई क्लास में कोई फ्रेंड बेटा अच्छा लगता हो तो आप उसका नाम लिख सकते हो ना। ओके, तो आपको वो क्यों अच्छा लगता है, सो आई लाइक टू बी हर बिकॉज शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड शी इज टॉपर ऑफ अवर क्लास, वो हमारे क्लास में सबसे टॉपर है इसीलिए। डू यू नो द फूड डैट ईच एनिमल एट, आपको पता है कि कौन से एनिमल क्या फूड खाते हैं, तो यस, आपको पता होगा कि जीराफ क्या खाता है, लीव्स खाता है। फिर टाइगर, वो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, वो जो दूसरे एनिमल्स है उसका वो मांस और वो खाता है। और काऊ क्या खाती है, ग्रास। ग्रास का मतलब क्या है बच्चों, घास। तो ये आपको ये क्वेश्चन आंसर ये नोटबुक में नहीं लिखने हैं बच्चों, आपको कौन से लिखने के हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आंसर से पेज नंबर जो 32 के है, यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 32, तो पेज नंबर 32 के क्वेश्चन आंसर है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द लिटल मंकी वॉन्ट टू डू, ये आपको क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखने के है कि लिटल मंकी वो क्या क्या सोचता था, वो क्या चाहता था, तो द लिटल मंकी वॉन्ट्स टू बी अ स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। हु हियर्स हीम, तो अ वाइज वूमन हियर्स हीम। ओके, वो कौन ये सब सुन रहा था, जो औरत थी वो सब ये सुन रही थी। आगे देखते हैं, हाउ डज एन एलिफेंट हैव अ बाथ, एलिफेंट बाथ कैसे करता है, तो एन एलिफेंट फ्लाइज हिज ट्रंक विथ वाटर एंड ब्लोज इट ओवर हिमसेल्फ। ओके, एलिफेंट ऐसे बात करता है। फिर डज द ज़ेब्रा स्पॉट्स और स्ट्रिप, तो ज़ेब्रा को क्या होता है, स्ट्रिप्स होते हैं उसकी बॉडी में। वाई डज लिटल मंकी वॉन्ट टू बी हिमसेल्फ अगेन, तो देयरफॉर ही वॉन्टेड टू बी हिमसेल्फ अगेन, तो ये आपके इस क्वेश्चन आंसर है। आगे हम पेज नंबर 33 है, उसमें आपको ये सिर्फ एक्टिविटी है, तो वो आपको नहीं करनी है बच्चों, वो आपको वो ज़रूरत भी नहीं है। अब हम देखते हैं पेज नंबर 34, तो उसमें क्या है, पेज नंबर 34, तो उसमें आपको ये जो वर्ड्स है वो वर्ड्स आपको ये इसमें
आंसर है तो उसमें आपको ये वर्ड्स बोलने के हैं सिर्फ कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच वो सब ये आपको वर्ड्स बोलने के हैं। फिर आपको यहाँ पे मैच करना है कि मंकी एंड वो, तो जैसे ये देखो मंकी का स्पेलिंग है तो आपको ये मंकी, तो उसमें से ये पज़ल है तो ये पज़ल में से आंसर को ऐसे स्क्वायर में आपको उसको मंकी का स्पेलिंग आपको आपको ऐसे स्क्वायर करना है। राइट बच्चों, ऐसे सबके स्पेलिंग आपको ऐसे पज़ल में स्क्वायर करने के हैं। फिर ये पेज नंबर 35 वो आपको क्या करना है, पेज नंबर 35 है वहाँ पे जैसे वो आवाज़ है कि कौन सी आवाज़ क्या है। राइट बच्चों, कि जैसे अ बीज है तो बीज क्या करती है, तो अ स्वार्म ऑफ बीज। फिर काउ, तो काउ क्या करते हैं, हर्ड ऑफ काउज। फिर लायन, तो अ प्राइड ऑफ लायंस। और ए बर्ड, तो बर्ड में है अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो वो आपको अपने ग्रुप के साथ मैच कर देना है। राइट, तो ये जो आपको सिर्फ बच्चों आपको सिर्फ इंग्लिश की नोटबुक में ये क्वेश्चन आंसर ही लिखने के है। आपको जो आई वॉन्ट वाला लेसन है उसमें आपको बच्चों क्या करना है, सिर्फ आपको ये जो मैं सॉल्यूशन भेजूंगी उसमें से आपको सिर्फ ये क्वेश्चन आंसर ही लिखने के है और आपको ये समझने के और उसका रीडिंग करना है। ओके बच्चों, मैंने आपको जो चैप्टर 4 का सॉल्यूशन समझाया है वो उसमें से आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही नोटबुक में लिखने के हैं, बाकी सब एक्टिविटी आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको सॉल्यूशन भी भेजूंगी इसके साथ, और सॉल्यूशन में जो आप मैंने आंसर लिखे वो ही आपको टेक्स्ट बुक में पूरे करने हैं। ओके बच्चों, तो आपको ये समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।